कटवा दिया है ना। अरे 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 क्या है ये देखो ये हुई ना बात। बाय बाय कंटेंट। टाइम 2 बज चुके हैं। अरे भाई ऋषिकेश जाना है जैसे मैं बताया आपको, और ऋषिकेश से चंद्रपुरा बोल रहे एक, वहां से मेरे को कुछ सामान लेना है। ठीक है वहाँ से कुछ सामान लेके आना है जो पापा का थोड़ा सामान है और पापा बिजी हैं तो मेरे को जाना पड़ रहा है सामान लाने के लिए। सो और एकदम से प्रोग्राम बना जाने का तो चलना पड़ता है ना, मज़ा आता है। और थोड़ा धूप ज़्यादा हो रही है इस समय, एट दैट टाइम 2 बज रहे हैं। और रानीपुर पे मेरा दोस्त मिल जाएगा हर्ष, तो वो ना भी चलान दे देता। वो तो मैं अभी भी दे रहा हूँ, तो धीरे कर ले, धीरे चाहे तो रोक ही ले बिल्कुल यार। गाइस ये देखो भाई पापा था किसी दिनों से भैया अंदर है, निकलवा दिया है ना। अरे 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 पापा की बात, पापा की बड़ी क्या है ये देखो ये हुई ना बात। भाई भाई कंटेंट कंटेंट मिल गया भाई, कंटेंट लहरा रही थी। कोटा क्लासेस वही तो चल रही है, कोटा क्लासेस के ओनर बच्चे हैं गाइस। ये नंबर प्लेट भी नहीं है अभी, क्या है कौन सी ये जूम झूम बराबर झूम बरा वो गाना लगा हो बच गई। भाई कंटेंट मिस हो गया पीछे जा रहा था भाई। अरे भाई वो बंदे ने भी यूं पकड़ा कह रहे अरे देवी। अरे भाई भाई घर वाले भी भाई साहब दे देते हैं, हेलो कर दो भैया। और कैसे हो भाई, बढ़िया ही। जानबूझ के कर रहा है, जानबूझ के भाई। चलान के ज्यादा पैसे आएगा तेरे पे। चलान कटेगा क्यों, चलान कटेगा क्यों, सारे पेपर है, सारे पेपर एक ही है। अच्छा सारे सब में ही हो कारने तेरे उसने एरिया किया। हाय पे हाय हो रहा है गाइस, इस ब्लॉग का नाम होना चाहिए हाय बस बाय। सो गाइस अब निकल चुके हैं यहाँ से, आपने रिएक्शन देखा था, रिएक्शन तो नहीं है कि यहाँ बच्चों ने थोड़ा हाई किया था और वहाँ पे एक और भाई मिल गया था। मतलब कि आज मैं ज़्यादा ही खुश हो गया हूँ क्योंकि ये चीज़ ना एक यूट्यूबर को बहुत अच्छी लगती है, कोई उसको हाई करे। ठीक है तो भले वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं थे लेकिन फिर भी एक चीज़ महसूस होती है, फीलिंग्स जो आती है वो काफ़ी अच्छी आई है। और हम निकल चुके हैं अब ऋषिकेश के लिए, पीछे मेरा हर्ष बैठा हुआ है एंड टाइम 2 बज चुके हैं। अरे भाई गंदा खड्डा है भाई वो, अभी हाय हुए सब निकल जाता भाई तेरा दिक्कत है। आवाज आई थी फिर हाय कर रहा भाई, हाय कर रहा। मैं तो कह रहा हाय चलते रहा भाई, कोने में को ले ले भाई गाड़ी का। अभी H2R भी आएगी गाइस भाई। तो गाइज अभी चल रहा है जून का महीना, चल रहा है हॉलीडेज रहता है इस टाइम में, तो काफ़ी जन आते हैं घूमने के लिए। और हरिद्वार और ऋषिकेश का एक ही रूट रहता है मेन जो है, और हम उसी रूट से जा रहे हैं क्योंकि दो रूट है बेसिकली, एक छेला वाला है कि ये रूट है जो देहरादून हाईवे का है, तो दोनों में ही भीड़ रहती है। तो हमने सोचा कि आप जाएंगे इस रास्ते से, आएंगे अपने छेला वाले रास्ते से। ठीक है तो ये है हमारा प्लानिंग, और आपने देख लिया स्टार्टिंग में क्या क्या हुआ है। तो आई होप अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यही वही जगह है जो हमारा चेंज होता है। अरे होले 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 नहीं निकाल तो ले उधर, वो जा तो रहे हैं बंदे। सर इधर से जा सकते हैं यार है ना, सर बाइक वाले जा सकते हैं क्या, सर बाइक वाले जा सकते हैं कह रहा हूँ। हाँ चल अच्छा पता नहीं क्या कह रहा है पर हम तो हाँ ही मान लेंगे भाई।
भाई मैं तो भाई सामने बाइक देख सकते हो Z300, अच्छा निंजा 300 है, GoPro, हेलमेट देख भाई इनके मस्त है भाई, दोनों के पास आईफोन भी है। हाँ बराबर में लगा, थोड़ा सा कैमरा ऊपर हो जा, दिल्ली से है भैया, आराम से आराम। अरे यार तू हाय हुई कुछ क्यों नहीं कर रहा कुछ? कौन मैं? हाँ अबे भाई करूँगा तो तुमने जब देखे तो भाई ने ऑकवर्ड सा फील नहीं लगता देखो। हेलो भैया। तो गाइस यहाँ पे हम आके वेट करे हुए ये जहाँ पे हमारा सामान मिलेगा, तो एक्चुअली मैं यहीं पे बैठा हुआ था, मैं यहाँ बैठा हुआ था और मेरा दोस्त हाय कर ब्रो है, तो यहाँ बैठा हुआ था तो एकदम से नजर पड़ी हमारी इस चीज पे, देख रहे हो ये चीज, मतलब कील यहाँ पे इसमें घुसी पड़ी है, पता नहीं अब कब निकलेगी ये, मतलब अगर निकाल दूंगा ना तो पंचर हो जाएगी, तो इसको ठीक करवाना है कि ये जो कील है भाई इसको निकलवानी है जल्द से जल्द, जाते भी चेक करवा दूंगा ठीक है। और अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही आएंगे तो सामान लेके फिर निकलेंगे यहाँ से हम घर के लिए। बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, वो अपने आप बंद हो गई थी, और जाना भाई क्यों है ठीक है, तो मिलते हैं फिर जैसे सामान मिलता है तो अपनी कंटिन्यू राइड करते हैं वापसी के लिए। ओके तो गाइस काफ़ी देर वेट करने के बाद जब मैंने भैया को फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया हम नटराज चौक पर आ चुके हैं, अब नटराज चौक जा रहा हूँ वो थोड़ा यहाँ से चंद्रवागा से आगे हैं। हाँ जी भैया आप भी देखे हम यहीं खड़े थे चंद्रभागा पुल है, उनसे पूछो तो उन्होंने कहा ये जो पुल चक्कर है ना गोल चक्कर उससे आगे जाओ, तो हम डायरेक्ट आगे ही चले गए यहाँ से। तो गाइस सीन ऐसा कुछ हो गया कि हम बेफालतू में आगे तक चले गए थे, कोई रूल नहीं था वो, मतलब जो हम जिनसे हमने रास्ता पूछा वो थोड़ा सा और आगे बता दिए मेरे को, और दैट्स व्हाई हम आगे निकल गए थे, लेकिन आते में हमने डायरेक्ट उन्हीं जगह पे पहुँचे जहाँ से हमें सामान चाहिए, तो सामान भी मिल गया है। और अब चलते हैं अपने घर के लिए, लेकिन उससे पहले मेरे को अपना फ्यूल भरवाना है भाई। भाई ऐसी रोड पे ना आपको रेस छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं करेगा कि रेस छोड़ता, बस यही है कि देते जाओ जितनी जा रही जाने दो ठीक है। पता है क्यों मन नहीं करेगा? क्योंकि आगे एम्स हॉस्पिटल है ना, तो ज़्यादा दूर नहीं है, अगर कुछ हो गया तो डायरेक्ट जा सकते हो आप लोग है ना। मजे तो आए थे लेकिन भाई थोड़ा मेरा ध्यान रख, मैंने जींस जूंस भी नहीं पहनी, तो गाड़ी वाले भी यार लीन करने की सोच रहे हैं। यहाँ हो जाती यार, यहाँ हो जाती भाई मजा तो आ रहा है। हाइपर राइड क्या करूँगा, काफी लेट हो गया मैं सुखा एहसास का, ये ब्लॉग हमारा यहीं खत्म होता है, यही था मेरे को ऋषिकेश से सामान लेके आ गया हूँ मैं, लेट तो हो गया हम 5:45 हो गया, मेरे को प्रैक्टिकल भी लिखने हैं अभी है ना, एंड अरे यार मेरे को यहीं जाना था। सो गाइस एज यूजुअल आपको पता ही है क्या करना है, अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको व्लॉग, और जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, बहुत जल्द जब तक के लिए भाई बाय।